तो वीर जी उन्हों को ना पता नहीं कोई काले रंग की तार सी, उन्होंने मेरे गले के उत्ते आ देखो निशान ने मतलब इतों ए करके मारी है ना, इतने मेरी लत्त भी कुछ पाया गया, मेरी जुत्ती निकल गई, मतलब मैं आप ईवन के गुरसिख बंदा उसकी वाइफ दुमाला सजाती है, मेरे सारे सारे दुमाला वगैरह सजाते इदा कहता दो चार दिन रही हाँ मतलब वो हिसाब ना 5-7 लाख लै ला, पर भीर जी मेरी आत्मा नहीं ये चीज़ मनी भी गुरु साहब सामने लिया हुई लावं तो जाओ मैं कोई मतलब दिनों के हिसाब ना पैसे लाने लिए वह किया जानी जेडे मेरे अंदर दी औरत आनू इंट्यूशन होंगी है भी ये भी एक रेप का तरीका हो गया, यह तो रेपिस्ट वाला काम हो गया जो मैनू अंदरों परसनल ट्यूशन होंगी आ। तो फिर ना एस पी सर ने ना मैनू मतलब कि मैं चैक करवा के ना एस पी सर अपना मैडिकल दिता, वो मैनू कहते नहीं जी असं अपने तौर पर स्पष्टीकरण करवाऊंगे, मतलब इदा करके मेरा केस डिले हो ही जा रहा है। दसिया भी वीर जी जे कोई सानू कोई चौकीदार भी होया नाल मैं अपनी ब्याह दी सारियां फोटो सारे प्रूफ भी मैं लैके जा रही हूँ, मैं लॉक खोलन जा रही हूँ, अगर कोई उन्नी की गल हुई मैनू मतलब इत्थे हुण तुहाडे मैं एरिए च रहना मैनू तुहाडे तो पुलिस प्रोटैक्शन की लोड़ होगी। उस टाइम मैं पुलिस नू फोन करने शुरू करते, मेरी इत्थे कॉल हिस्टरी चो आ मैं 8-10 फोन लाए, मतलब पुलिस का मैनू कोई भी रिस्पोंस नहीं सी आया। वो मैनू कहना जी तुहाडे ते चोरी का केस पौगा, मैं क्या क्यों मेरे ते की चोरी का केस पौगा, मैं अपने घरे चोरी करना आई तो नाले चोरी करने वाला बंदा एस पी नू दस के आऊगा, फिर थाने च दसूगा, फिर सरपंच नू दस के आऊगा, एक ब्याही हुई कुड़ी जी आपदे ही घरे आउंदी आ तो मतलब चोर होगी। मतलब फिर उन्होंने करके मैं बची भी, मतलब नहीं तो यह नहीं सी पता भी मेरे घर वाले ने रातों रात पुलिस नू इन्ने पैसे चाढ़ते सी भी पुलिस भी सारी एंटी सीगी। मैनू ये लगता भी जी देखो इदा गुरु साहब सामने गुरु के दुमाले पा के भी जी आप सिख हो के भी इदा के काम करिए, मतलब पहला तो मैं सिख जथेबंद कहने भी यह जे बंद खिलाफ उन्होंने भी एक्शन लेना चाहिए जेडे इदा गुरु साहब का अमृत छक लेंगे ने लोगों धोखा देंगे ने। देखो अपने सीएम साहब नूं रिक्वेस्ट करदी हां भी मान साहब कहिंदे ने कि मेरे एरिए विच अगर कोई रिश्वत लैंदा तुसीं उहदी वीडियो बनाओ, पर मैं मान साहब नूं इह कहिंदी हां तुहाडी सारी पुलिस ही करप्ट आ, एस एस पी तो छोटे तो लैके बड़े तक भी करप्ट आ तुहाडी पुलिस तां। भी जी स्वर्णजीत कौर। अच्छा मामला की है? भी जी एक्चुअली मेरी मैरिज हुई सी 15 मार्च 2023 नूं, मतलब उस तो बाद मेरे हसबेंड आस्ट्रेलिया तो सी, मतलब मेरी फ्रेंड ने रैफर किया मैनू, तो असी सोचा भी कि सारा गुरसिख परिवार से क्योंकि मेरा भी ध्यान इधर सीगा गुरसिखी वल, तो असी सोचा भी चलो गुरसिख परिवार आ गया तो वो साढ़े घर आ के उन्होंने रिश्ता ले मंगया है ना, रिश्ता मंग के 2 दिन के ब्याह मंग लिया, सानू भी लग्या भी गुरसिख बंदे ने चलो गुरदासपुर वल असी अमृतसर वल भी गुरु की नगरी तो आए ने भी असी ने मतलब कुछ भी ज़्यादा नहीं देखिया, असी ने बस रिश्ता करता, रिश्ता करके उस तो बाद मेरे ना ब्याह तो थोड़े दिन बाद मैं देखिया कि मेरे ना मतलब एक स्किन ते थोड़ी जी एलर्जी हुई हुई सीगी। मैं अपने सहुरे घर ही रही। हाँ हाँ जी बीजी बुलेवाल गुरदासपुर। की नाम से? बीजी रणजीत सिंह। रणजीत सिंह? हाँ जी। पिता का नाम? बलबीर सिंह। पिंड बुलेवाल? हाँ जी बुलेवाल जी, जिला गुरदासपुर। तो वीर जी फिर मैं अपने हसबेंड नूं कहा, मैं क्या मेरी स्किन ते एलर्जी, आपां भी किसी स्किन केयर नूं दिखा लैने आ इत्थे, तो असी नैक्सट डे मतलब कि स्किन केयर दे कोल गए तो वो डॉक्टर ने, डॉक्टर उत्थे पवन कुमार आ, उन्हें देख के कहता एग्जीमा, मैनू भी एग्जीमा बारे कुछ नहीं थी पता है ना, बट मैनू उदा लग रहा सी जिस हिसाब नाल डॉक्टर ने पैसे चार्ज किए भी इन्नी लिटल जी इनफेक्शन दे डॉक्टर इन्नी ज़्यादा फीस लै रहा भी प्राइवेट डॉक्टर आ भी पता नहीं क्यों भी अगे तो कदे इदा होया नहीं भी डॉक्टर शायद मैनू लायर लगता, मैं डाउटफुल सीगी थोड़ी जी, मैं अपने हसबेंड नूं भी इस बारे कहा भी डॉक्टर ना मैनू उदा ही लगता भी झूठ बोलता तो भी इदा का मैनू नहीं लगता है ना, पर मेरे हसबेंड मैनू कहन लगे कि डॉक्टर अगे नहीं बोली रहा, डॉक्टर जो भी कहे चाहे कुछ भी कहे भी डॉक्टर दी हो करीदा, मैं ओके कहता क्योंकि मेरी न्यूली न्यूली मैरिड सी ते मैं अपने हसबेंड नाल आर्गूमेंट जां कुछ इह नहीं सी करना चाहुंदी। फिर मेरे हसबेंड ने मैनू मतलब कि जदों असी घर आए मेरे हसबेंड मैनू कहिंदे एग्जीमा तां इक बहुत ही डेंजरस बीमारी हुंदी आ, उत्थे इक आस्ट्रेलिया च बच्चे नूं आ जे उह मूंगफली अगों भी क्रॉस हो जाए ना तां भी मतलब कि उहनूं उह हो जांदा गा,
फिर मैनू मैं क्या भी नहीं इदा दी तो भी कोई गल नहीं होंगी भी पर मैनू नहीं इदा का है भी मेरे क्योंकि स्किन के थोड़े जे मेरे थाई जीगा होर किसी पार्ट से तो है नहीं सी ना ही इदा। फिर मेरे मतलब मैं ना अपने हसबैंड जो मतलब नाइट में मेरे हसबैंड मेरे तो अलग पे तो मैं थोड़ा इदा टच किया बुला लगी मेरे हसबैंड कहते अपना हथ पर कर ला तो जो हथ पर कर लिया फिर मेरे ना हसबैंड मैं क्या भी मतलब भी ये मैं तुम रोटी भी तो बना के दी सी भी इन्ना वो नहीं करीदा हों भी इदा भी कि इन्ना बहम तुम कि बहम कर दो अगर तुहाडी थान ते मैं होव तो इदा की कोई होंगी मैं कभी भी ये चीज़ का वहम नहीं सी करना है ना। मेरे हसबैंड कहते नहीं मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा तो मैं तो मतलब कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो करता मैनू थोड़ा हर्ट होया मैं मतलब चुप चाप पै गई। सुबह मेरे हसबैंड ने मैनू कहा मैनू नहीं सी पता भी इन्हां दे दिल च गल आ कहिंदे मेरे ना एक दोस्त ने संगरूर नू जाना गा कहिंदे तू भी नाल चल है ना। मैनू थोड़ी जी इंट्यूशन जरूर हो रही सी कि भी मेरे हसबैंड बहमी ने गे भी तां करके मैनू पिंड छड के आना चाहुंदे ने भी मेरे भी तां कि मैं ना तो थोड़ा जिहा टाइम दूर रहा। मैं कहा चलो कोई गल नहीं पाँच हफ्ता दस दिन की गल आते भी नाले मैनू यह सीगा भी साढ़े उत्थे ना मलेरकोटले डॉक्टर सुखविंदर ने वो काफ़ी फेमस ने गे स्किन दे भी मैं उन्होंने तो करवाऊँगी चैक क्योंकि मैनू डॉक्टर ते विश्वास नहीं सी। मैनू पिंड छड के गए घरे अपने दोस्त नाल ते उस तो बाद ना मतलब मैनू कहिंदे मतलब मैं ना चलो आराम ना छड के मैनू नहीं सी पता भी उन्होंने दिल विच इहो जिही कोई गल आ। फिर मैं डॉक्टर सुखविंदर दे गई उन्होंने तो चैकअप करवाया तीन चार दिन बाद मेरे को सिविल दी स्लिप भी आ। मैनू डॉक्टर सुखविंदर कहिंदे भी बेटा तो फंगस इनफेक्शन आ किसी भी कॉस्मैटिक जां किसी भी चीज़ की एलर्जी नाल हो जाती आ हो भी जाती आ ते हट भी जाती आ थोड़े दिनों की दवाई खाओ भी कोई एग्जीमा नहीं तुहानू डॉक्टर ने इतों तक जिहड़ी दवाई दित्ती है ना एंटीबायोटिक जिहड़े दित्ते ने भी इहदे विच नहीं हुंदे उहने रोंग दित्ती आ भी उह डॉक्टर कौन सीगा इदां है ना। मैं उन्होंने कहा ठीक है मैं उन्होंने दवाई खानी स्टार्ट करती तो असी ना मेरे हसबैंड की वेट करते सी। मेरे हसबैंड ने मैनू कहा सी मैं 29 तरीक नू तेनू लैण लई आवांगा। 29 तरीक तक असी मतलब वेट करते रहे गल भी करते रहे मैं वेट कर रही हूँ मेरी मदर इन लॉ भी आउणगे। मैं अपने हसबैंड नू फोन कर रही हूँ उन्होंने फोन नहीं सीगा लग रहा। मैं उन्होंने फिर फोन किया तो मैं उन्होंने कहा भी मतलब भी तुसी आ नहीं रहे अज कहिंदे नहीं मैं अज नहीं आउंदा। रात नू फोन करके कहिंदे मतलब कि अपना नहीं चलना कहिंदे तू तो एक एग्जीमा पेशेंट आ तो तू मैनू मतलब इदा दसिया नहीं सीगा ये अपना ब्याह नहीं चलना अपना नहीं है चलना ये कह के ना मतलब कि फोन बंद करता। जो फोन बंद करता रात का टाइम से हूँ सानू तो इन्नी टेंशन पै गई है ना मैं तो मतलब रोन लग गई। मैं अपने ब्रदर मेरे असी पूरी रात बैठे रहे मेरी वो फ्रेंड नू भी असी आस्ट्रेलिया फोन लाया भी इदा करके कह गया है ना उन्हें भी उन्होंने कॉल लाई तो वह फोन भी उन्हें मतलब ऑफ करता। तो सवेर में मेरे ब्रदर ने उन्होंने फोन किया बड़ी रिक्वेस्ट की भी भाजी इदा ना करो भी साढ़े लिए तो बहुत वड्डी गल हुंदी आ मतलब इदा कुड़ी का वो करके होना असं जे तुहानू कोई डाउट भी आ असी दवाई खवा दें गे भी वह कर दें मतलब नहीं मनिया वीर जी। फिर ना असी ने सारे मतलब मेरे ब्रदर ने अपने एक दोस्त जेई वीरे फोन किया मेरे चाचा जी पंचायत मैंबर ने असी उन्होंने उत्थे पिंड गए कहिंदा मैं मम्मी डैडी ने भी लियाया असी क्या भी जाके देखते असी देखे उन्होंने घर लॉक लग्या पिया असी ने मतलब उत्थे एक चौकीदार बैठा सी असी ना उन्होंने सरपंच दे घर गए भी सरपंच साहब मतलब भी इदा करके है ना असी ने सरपंच नू कह के जिहड़ा अंदर वाला दरवाजा थी वो खुलाया असी देखिया कि घर दे जिहड़ा दूसरा हैगा अंदर वाले गेट ने उन्होंने लॉक लग्या पिया उत्थों असी ने उहदी भैण दे घर दा एड्रैस लिया उहदी भैण दे घर गए उन्होंने भी असी ने रिक्वेस्ट वगैरह की भी दीदी इदा समझाओ है ना भी घर बस जे भी इन्हां चीज़ों में की पिया गा तो उहदी भैण दा असी नंबर लिया आके जदों मेरे ब्रदर ने किया उन्होंने रैलेटिव सीगे एक लुधियाने दे ने गे उन्होंने भी कॉल की तो मेरे ब्रदर ने उहदी ओह मेरी मतलब दूई छोटी ननाण दा जेठ हैगा तो उन्होंने भी की हरमिंदर सिंह तो वह मतलब जदों भी मेरे ब्रदर ने की कहें फिर कहें जी आस्ट्रेलिया इदा नहीं जाया जाता हों आस्ट्रेलिया जाने के लिए तो ना लोग 20-20 लाख रुपया चक्की फिरते हैं है ना असी क्या भी जी असी तो इन्ना 20 लाख कोई दे नहीं सकते यह जी गल तो करनिया सी है ना भी ये तो होया मतलब भी जी सानू किसी ने भी साड़ी गल ना सुनी जो सानू लगे भी कोई साड़ी गल नहीं सुन रहा तो असी ने पुलिस के कंप्लेन करती पुलिस दे विच असी कंप्लेन की तो सानू ना मतलब कि मेरे हसबैंड दे ना काफ़ी दोस्त ने गे जिहड़े पुलिस विच ने गे जिन्हां दे मतलब कि नाम ने गे एक तो कोई कांग्रेस के मतलब हैगे ने गे मंत्री मेरा नाम लिखा होया उन्हां दा ते उन्हां दे मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड ने हरबख्शीर सिंह
ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੌਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੀਨੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਪੀ ਆ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੁੱਲੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਹੋਏ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਾ ਓਮਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਐੱਸ ਪੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਐੱਸ ਪੀ ਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐੱਸ ਪੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਸ ਪੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫੋਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਐੱਸ ਪੀ ਸਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਐੱਸ ਪੀ ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿੰਨ ਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੋਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋਕ ਖੋਲ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗੀ, ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਕਮਾਈ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸੂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਓਮਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਬਟਾਲੇ ਆ, ਬਟਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੇ ਪਰੂਫ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਸੀ ਨੇਗੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਵੀ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ,
मैं चलो असी आ गए, असी ने आके ना मैं लॉक खोलन लगी क्योंकि मेरी सस ने ना मैंने पहले एक चाबियां दित्तियां सी, एक रसम च भी जिदा नूं नूं दिंदे हुंदे आ, मैं उन्हां चाबियां नाल ही खोलन लगी ते ना लॉक ना खुल्लिया। जदों लॉक ना खुल्लिया मैं क्या चलो मैनू, क्योंकि मैनू कहा सीगा भी तेरा घर आ तू लॉक खुलवा भी सकदी आ, मैं नोट अपनी एप्लीकेशन च भी लिख के गई सी भी जेकर मन लो मैनू कई कई कहन लग गए सी भी हो सकदा उन्हें लॉक बदलता हो पर तू खुलवा ली आपदे घर बैठ, तेरा हक हैगा वह घर च बैठण दा। तो मैं भीर जी मतलब उतों असी उस दिन मेरे ब्रदर के दोस्त ने तो भेजता, वह कहना मैं किसी मुंडिया को जाना सानू इतने ना मेरे सहुरियां तो 3 किलोमीटर तो उत्थे एक ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी ने, बाबा हजूर सिंह जी उन्हों का गुरद्वारा साहब आ, मैं तो मम्मा उत्थे चले गए असी उत्थे रात कट ली है ना क्योंकि सानू असी लेट हो गए सी उत्थे ना रह के मार्केट में मैं लॉक खुलवाण वाले बारे का भी पूछिया, उत्थे सानू एक दो मुंडा दसिया, एक कहें वह कहना मैं नहीं अलमीनियम का काम करदा एक कारपेंटर वाला तुहाडा लॉक खोल दूगा, उन्हें सानू चलो सानू उतों पता लग गया किसका नंबर, असी वह मुंडे नूं कॉल करती, वह कहना मैं मॉर्निंग आ जाऊँगा लॉक खोलण लई। मेरे मम्मा तो मतलब गुरद्वारा साहब ही बैठे रहे ते मैं ना मतलब वह मुंडे नूं नाल नाल उत्थे 3 किलोमीटर आ मैं चली गई, मैं उन्होंने कहा वह उन्हें मेरे तो चाबियां लईयां, वह बेचारा लॉक खोलण लग गया, लॉक खुल्लिया ना, वह कहना भैने तोड़ना, मैं क्या वीरे तोड़ दे है ना, उन्हें लॉक तोड़ता, जो लॉक तोड़ के दरवाजा खोलन लग्या फिर भी दरवाजा मतलब कि खुल नहीं सी रहा, मैं क्या वीरे उपर च जाके देखी भी गेट टप के भी अंदर की प्रॉब्लम आ गई, वह गया उन्हें वह कहना बस मतलब इदी कुंडा वज्जिया होया गा, मैं क्या वीर जी चलो ठीक आ भी तुसीं खोल दो, खोल के मैं अंदर वेड़े च ही गई हाँ कि मैं देखिया मेरे सहुरियां दे घर पिछला कमरा है सर्वेंट वास्ते, उत्थे ना एक लेडीज आ रही हैगी मतलब जिदा मतलब मेरी की एज दी सी, मैनू कहंदी मतलब कहंदी तू कौन आ गई इत्थे किधर मूँह चक्या है ना, मैं क्या मेरा घर आ मैं मतलब सहुरे घर आई हाँ तू दस मैनू भी तू कौन आ है ना, मैनू बहुत गुस्सा आ रहा सी, मैनू इदा बोल रही आ भी ये कौन आ गई है ना, भी कौन आ, एकदम तो पहले मैं हैरान हो गई भी इदा किदा निकली घर नू तो लॉक सी ते अंदर बंदे है ना, मैनू कहंदी मैं क्या देखो मैं मेरे घर वाले का घर आ मेरा उरे राइट आ मैं इतने आऊँगी है ना, मैं क्या मेरे ना ज़्यादा वो ना कर मैं पुलिस नूं फोन कर दी हाँ, उस टाइम मैं पुलिस नूं फोन करने शुरू करते, मेरी इतने कॉल हिस्ट्री चो आ मैं 8-10 फोन लाए मतलब पुलिस का मैनू कोई भी रिस्पोंस नहीं सी आया, जब मैं पुलिस नूं फोन लाउंदी रही उदों बाद उन्हें ना एक बंदिया नूं फोन किया तो दो उन्हें बाहर बंदे निकल के आए, एक बंदे ने ना मेरी आके एकदम मेरी बांह फड़ी तो मैनू घड़ीसन लग गया इदा, मैं क्या तू किहड़ा होना, वो लेडी ने मेरे वाल फड़े, मेरे एक हाथ विच मोबाइल सी एक विच मेरे उही सीगे मेरे विआह दे डाकूमेंट्स वगैरह इदा जो भी सी फोटो वगैरह रखिया हुई है ना, क्योंकि मैनू मतलब सीगा भी जे कोई मैनू कोई भी पुछे मैं दिखा तो दूंगी, सामने वाले गवांढी तो मैनू जानते ने, मैं कोई बाहर नहीं निकल भी मैं जो लोड़ भी पवे मैं चीज़ा रखिया हुई सी अपने को भी मैं पुलिस का कोई भी बंदा आवे भी मैं पुलिस नूं फोन करके लॉक क्योंकि खोलूँगी है ना, तो मैं हजे अंदर वाला कोई गेट दरवाजा नहीं खोलिया कि उन्होंने मैंने एकदम ना जफ्फा पा लिया, जफ्फा पा के ना मैंने तो फिर तो उस तो बाद तो भीर जी मेरे तो मैं ना कोई वह कर सकती थी मतलब मैनू दो बंदे एक लेडीज़ मैनू चिंबड़ गए है ना, मैनू चिंबड़ के मेरे बाल किते, मैं अपने आप को प्रोटैक्शन लई ओ लेडीज़ दे मेरे तो भी बालों नू हथ पिया, तो वीर जी उन्हां कोले ना पता नहीं कोई काले रंग की तार सीगी उन्होंने मेरे गले दे उत्ते आ देखो निशान ने मतलब इतों ऐ करके मारी है ना, इत्थे मेरी लत्त विच भी कुछ पाया गया, मेरी जुत्ती निकल गई मतलब मैं आप आ सीगी आ मतलब कि आ गई हाँ जी आ नहीं भीर जी आ वाली लत्त ते आ ते गले दे पिछे ने गे हाँ जी मतलब वीर जी जिदा किसी मारन की ट्राई की जाती है मतलब हाँ जी वीर जी फिर मैं ना अपने आप को खिंचते हुए बाहर आ गई मेन गेट से मेरा जो मेरे हाथ में आ पॉलीवेग से इदा फस भी गया जुत्ती तो मेरी निकल ही गई मैं आके बाहर आई तो मैं वो जिहड़ा लॉक खोलने वाला मुंडा से डर था बेचारा अंदर ही ना वड़िया मैं उन्होंने कहा भी वीरे मतलब चल आप पुलिस स्टेशन जाने आगे उदू बाद असी पुलिस के कोल चले गए मतलब जो असी पुलिस च गए ना तो पुलिस ने भी साड़ी कोई सुनवाई ना की है ना कहिंदे तुसी अच्छे जी कंप्लेन करके गए से मैं क्या हाँ वीर जी मैं कल करके गए से कहिंदे कदों मैं क्या वीर जी तुहाडे सीसीटीवीज़ ने आ वीरे नूं करके गई नंबर लो है ना मतलब सानू उत्थे बिठा लिया जिहड़ा मुंडा लॉक खोलने वाला सीगा उन्हां दे फोन फाड़ ले
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ CCTV ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ 4 CCTVs ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ SHO ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰੇ ਧੂਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ SHO ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਰੈਸਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ SHO, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ SP ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਰਾਜਵੰਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਆ, ਏਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਚੀ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾੜ੍ਹਤੇ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਐਂਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 15-20 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ 15 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਬੇਬ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਿਦਡਰਾਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰਨ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, IPS ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MSc IT ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਫਰੀਲੈਂਸਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ IT 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਰਿਜ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ FIR ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀ ਵੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਮਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-7 ਲੱਖ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਲਊਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਊ ਅਤੇ ਛੱਡ ਜੂ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
मतलब कि क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो सब प्लान बना के चले आ ना जिन्ना ने जेडे तुसी कहंदे सब तो घर दे विच गया गल पै जदों तुसी 15 दिन उस घर दे विच रहे उदों उदों घर दे विच सी नहीं वीर जी ओ एक पूजा नाम दी सर्वेंट हुंदी सी ते ओ बहुत ही नाइस सीगी मेरे घर दे विच नहीं सीगे नहीं वीर तुसी उनां नूं जानदे वी नहीं नहीं वीर जी पहली बार वेख्या सी ना हां जी वीर जी क्योंकि मतलब मैं तां करके मतलब मैनूं हुण जो वी आले दुआले तों पता लग्गिया वी इत्थे दे कोई होनेगे भी जिहड़े रह रहे ने ते मेरे हसबैंड ने उन्होंने कहा होया भी पैसे की परवाह ना करो मतलब उन्होंने तो मेरे ते एक जानलेवा हमला किया ते बाकी वीर जी मतलब वीर जी मैं सुन दस दी हाँ क्योंकि ना उस तो बाद जो पुलिस चले गए टाइम लग गया चार पाँच बज गए थे तो मैं तो मम्मा ही सी साढ़े ना कोई नहीं सीगा क्योंकि मम्मा तो दसिया भी नेड़े उत्तर गुरद्वारा साहब ठहरे हुए थे फिर उस तो बाद असी ना गुरद्वारा साहब कंध साहब आना बाबा बटाला जी उत्थे असी चले गए असं क्या उत्थे रात कट रहे भी चलो आपके घर जाने गए क्योंकि वीर जी सानू ऐसा भी इतने साडा कौन हैगा मतलब इदा तो उत्थे की पुलिस भी तो साड़ी सुनवाई नहीं सी कर रही तो उत्थे साडा की होना सी बचे क्योंकि मैंने राजवंत जिहड़े कुली वीर जी ने उन्होंने मैंने कहता सी भी तू अपने उरे आ जा मतलब भी अपने एरिए मैं तुहाडा साथ दूंगा आप एस एस पी साहब को जावे आप ओमकार को भी जावे भी तेन वो करूँगा हाँ जी वीर जी आ तो मेरा मैडिकल आ जिदे आ डॉक्टर की तरफों भी देखो लिखा हुआ भी एट दिस मूवमेंट इट इज़ क्लीयर ऑफ फंगस ठीक है क्योंकि तीन महीने सिविल हॉस्पिटल हाँ जी तो देखो भीर जी पहला जो डॉक्टर साहब न मतलब मैं आके दिखाया सी उस टाइम उन्होंने मैं आ लिखा सी भी आ डायग्नोज आ ये फंगस है पर जो तीन महीने बाद दिखाया तो उन्होंने लिखा हाँ जी भी क्लीयर करता उस तो बाद भी भीर जी वो मेरे को नहीं है मेरे हसबेंड को भीर जी गुरद्वारा साहब का आनंद कारजा का सर्टिफिकेट हाँ जी आ भीर जी मतलब वो रिपोर्ट की कॉपी हैगी थोड़ी जी लाइट आ जी मैं पहला देखो मतलब के लिखी सी अपने एस एस पी साहब न गुरदासपुर फिर वो कहें भी उत्थे नहीं बटाले फिर मैं बटाला कटता फिर मैं एस एच ओ साहब न लिखी हैगी थाणा घूम कल हाँ जी भीर भीर जी आता मेरे चाचा जी ने गे जो मेरे घर वाले नू कड़ा वगैरह पा रहे सी असी सोना वगैरह भी पाया हाँ जी आ भीर जी मेरी ननान आ ते उदा बेटा गा ननान ते उना दा बेटा हाँ जी एक तुहाडे पति ते एक तुसी हो आ भीर जी मेरे हसबैंड ते मेरी हाँ अच्छा जी आ मेरे सहुरा साहब दे मेरे चाचा जी मतलब रिंग पा रहे ने गे अच्छा जी तुहाडे सहुरा साहब नाल हाँ जी हाँ जी हाँ जी की नाम इहनां दा भीर जी बलबीर सिंह भीर जी जो मेरी विदायगी हो रही है उदों दी आ भीर जी मेरे मतलब ब्याह ती है मेरी फैमिली आ मेरे चाचा जा मेरे हो करके आ भीर जी मेरे मदर इन ला मेरे रोके दे उपर आ भीर जी हाँ जी आ मेरे मतलब के मदर इन ला वगैरह नू भी इयर रिंग वगैरह जो जिहड़ा असीं गहने पाए सी होर भी ने गिया भीर जी आ भी भीर जी ये है लुधियाने के ने गे ये मेरी जिहड़ी मतलब के मेरी ननान आ ना ओदे ओहो ने गे मतलब जेठ जठानी आ देखो भीर जी दमाले सजाए हुए ने ते गुरसिख सीगे फिलहाल भीर जी मैं ना क्योंकि असी मोबाइल विच ही क्लिक कीतियां सी मैं थोड़ियां जिहियां फोटोआं कढ़ाईआं ने क्योंकि जिहड़ा फोटोग्राफर सी भीर जी ओह मेरे हसबैंड दी तरफों सीगा भीर जी हाँ आनंद कारज की वीडियो मेरी ये मोबाइल में आ गई तो वो मेरी मतलब फ्रेंड ने बनाई सी वो मैं तुम्हें दिखा दिनी हूँ कोई गल नहीं भेज दो मैं वट्सअप कर दो असल मंग की कर दो भीर जी मैं मंग ये कर दी भी देखो क्योंकि मैरिज होंगी हैगी भी घड़ी घड़ी नहीं होंगी मैंने तो जिंदगी ऑलरेडी मैं तो पहली ही डरी हुई सी सैकेंड टाइम डिसीजन लिया अपनी मैरिज का भीर जी मैनू सगा भी मेरे मैं अपने घर वसा है ना भी मेरे हसबैंड मैनू कर फिर उस तो बाद जब मेरे हसबैंड नहीं मान रहे मैं क्या चलो छोटा मोटा घर ही ले दो भी कम से कम मैं जॉब करके खाई तो जाऊँगी जिंदगी इदा कड लूँगी मतलब भीर जी मतलब मेरे ना इदा कुछ नहीं होया ना ही प्रशासन ने कोई हो सजा दी मैं ये लगता भीर जी देखो इदा गुरु साहब सामने गुरु के दमाले पा के भी जी आप सिख हो के भी इदा के काम करिए मतलब पहला तो मैं सिख जथेबंदियों को कहने भी यह जे बंदियों के खिलाफ उन्होंने भी एक्शन लेना चाहिए जेडे इदा गुरु साहब का अमृत छक लेंगे ने लोगों को धोखा देंगे ने देखो भीर जी मैं है भीर जी पति का नहीं मेरे पर मेरे सहुरे परिवार का सारे का सीगा
मैं भी देखो भीर जी मैं भी इदा जिम्मे सिमरन वगैरह आ पाउनी हाँ मैं भी मतलब ज़्यादा कोई वह नहीं करती पर मेरा अमृत नहीं छकिया होया पर मैं ज़्यादातर सिंपल रहनी हैगी है ना क्योंकि मैं असी ज़्यादातर जिदा मस्त संत बाबा अतर सिंह जी ने साडे मासोणा साहब उन्हां तों ते बड़ू साहब दे नाल इदा साधु संतां नाल टच आ साडा परिवार भी मेरे वीर जी मतलब गुरु साहब सामने लिया लावा इदा हो जाएगा क्योंकि मेरे हसबेंड ने मेरा मंग के रिश्ता लिया खुद मैं पसंद करके साढ़े घर आया मतलब मेरी फ्रेंड ने इन्ना किया कि मैं तो मन भी नहीं सी रही मेरे मदर ने कल ही की है ना भी इदा मतलब उदो तो उन्हें असी चाहते सके भी 6 महीने लै जा मैनू सगा भी एक दूजे को समझ लीए फिर मैं सोचूंगी पर मेरे घर आ गया मेरी मदर तो 2 दिन रिश्ता ले लिया इदा भीर जो कोई भी किसी पसंद करूँ विह करवाओ वो तो बाद छड दू जानी जेडे मेरे अंदर की औरत आनू यह इंटेंशन होंगी भी ये भी एक रेप का तरीका हो गया भी तो रेपिस्ट वाला काम हो गया जो मैनू अंदरों परसनल इंटेंशन होंगी भी है तो कोई भी विह कराओ भी वधिया तरीका हो गया गुरु नानक सामने लावा लो कुड़ी पसंद करो वो रो फिर 4 दिन से छड जाऊ भीर जी ये थोड़ा होंगे गा जे फिर मैं हूँ मैं ये डाउटफुल हो रही हाँ भी वो डॉक्टर पवन कुमार भी किन्ना बड़ा दोषी आ जिन्हें 4 पैसों के लिए एक बंदे वो बीमारी कहती जो उन्होंने है ही नहीं हैगी मतलब वीर जी मतलब यह जे डॉक्टर भी अपने समाज के लिए किन्ने ज़्यादा वह ने जिहड़े इदां दीआं बीमारियां नूं वह कहिंदे ने भीर जी देखो मैं एक मेरे पिंड मेरे घर मैं वह परिवार चों हाँ जिथे कुड़ियां नूं यह कहा जाता भी जे अपने घर की गल बाहर जाए ना तो बेइज्जती हुंदी आ मतलब वीर जी साढ़े इत्थे मुद्दे भी नहीं चके जाते सच दे लई लड़ना भी मतलब साडी फैमिली नहीं अलाउ करदी मतलब हुण भी कहिंदे सी भी पिंड की कहणगे इदां पर भीर जी 6 महीने में अपने आप ना लड़के मतलब क्योंकि भीर जी मैं सुन एक गल कह मैं कोई भी कदम जो चकदी हाँ ना मेरे मैं अजे अमृत की दात नहीं ली पर मेरे लिए हों भी कलगीधर वर्गे पिता ने गे ना गुरु ग्रंथ साहब एक हाजर नाजर गुरु ने गे भी जो नाल ने ना बंदे नूं कुछ नहीं हुंदा यही सोच के मैं अपने सहुरे घर भी कली गई सी तो यही सोच के भीर जी मैं लड़ना चाहनी हाँ तो मैं अपने CM साहब नूं रिक्वेस्ट करदी हाँ भी मान साहब कहिंदे ने कि मेरे एरिए अगर कोई रिश्वत लैंदा तुसीं उहदी वीडियो बनाओ तो सानू दो पर मैं मान साहब यह कहनी हाँ तुहाडी सारी पुलिस ही करप्ट आ SSP तो छोटे तो लैके बड़े तक भी करप्ट आई पुलिस तो दूजे थावों तो पैसे ले लेंदी आ बयान बदले जाते हैं वीर जी बयान असं बयान देखांगे वो तो बंदे मैं उन्होंने कहा लोकेशन ट्रेस कराओ मेरे हसबेंड तो मेरा वह दोस्त मैंने छड़ के गए ने बहाना बना के वह तो मुकरी गए जी असं छड़ के नहीं गए बहाने छड़ के मुड़के नहीं पता नहीं लगे कदों जा चढ़ के पा नहीं भीर जी मैंने कहा गया संगरूर काम आ कहने लै जू तेन हफ्ते तक मतलब गल करते रहे डेली जहाज चढ़ के उत्थे पहुंच के फोन करके बंद करता फोन हाँ जी कहना अपना रिश्ता नहीं नहीं भीर जी बहुत कर।